मैं संजय चौधरी उत्तर नागपुर का भाजपा अध्यक्ष। करीब करीब हमारे प्रभाग के अंदर सुषमा जी चौधरी के माध्यम से करीब करीब नहीं कोई तो 30 से 25 करोड़ रुपए का उनका काम हुआ है। इसी तरह हमारे कुछ 2012 में पहली बार सुषमा जी नगर सेवक था तो उनके आई थी तो यहाँ पे रोड पे रोडों की गई हालत खराब थी पूरी टोटली कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पे उत्तर जो नाले के इधर का जो भाग है पांजरा तक वहाँ पे एक भी जगह रोड नहीं था। सिर्फ एक पानी का टंकी का रोड बनाए थे माने साहब ने। उसके बाद हमने टोटली पूरी एरिया में NIT के माध्यम से हमारे जो 14 में जो हमारे आमदार चुनके आए थे राठौर मिले माने के उनके माध्यम से और तब से हमने पूरे रोडों की 75% है ना 90% रोड उन्होंने पूरे बना लिए। हमने घाट के पास का पुलिया का प्रोजेक्ट किया 3.5 करोड़ रुपए का। उसी तरह हमने नारा घाट जो है उसका सौंदर्यीकरण किया। आज तक कभी अपने नागपुर शहर में एक भी ऐसा गेट नहीं है वैसे गेट हमने बनाए। वो मुद्दल साहब जब कमिश्नर थे कारपोरेशन के तो उन्होंने मेरे को उसका ये मांगे थे फोटो मांगे थे कि एक डिजाइन आपने कहाँ से लाया करके। ये बोला मैंने नहीं बनाया ये डिजाइन हमारे जो कारपोरेशन का एक अधिकारी था अपने रायपुर साहब उनके माध्यम से डिजाइन थी वो वाली वो डिजाइन हमने बनाई। और हमने अभी ये एक रोड बनाया धूनुपान मंदिर से तो प्रवीण हार्डवेयर तक और अपना ओम नगर वाला रोड बनाया बहुत सी जगह हमने रोडों का काम किए हुए हैं। और हमारे और कुछ काम जो है हम समता नगर में बोला बहुत हमें अड़चन है काम करने की पर हम वहाँ पे भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो कहाँ का जा उत्ता होता है कारपोरेशन की हालत दयनीय होने के कारण जो वो पालक मंत्री की तरफ जाते लोग पालक मंत्री हमारे तरफ बेचते हैं और पालक मंत्री ने ये ऐसा नहीं करना है पूरा पालक मंत्री वहाँ 10-50 100 ट्रक मुरुम डाल सकते हैं एक फोन के ऊपर मुरुम डाल सकते हैं कोई कोई बड़ी बात नहीं है पर वो हमारे तरफ बेचते हैं। मैं माननीय जो हमारे नेता है जो हमको अभी किया हम गडकरी साहब से मैंने बात किया हमारी बात भी हुई थी गडकरी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 100 ट्रक का इंतजाम मैं करवा देता हूँ और वो समता नगर में और जहाँ हमारे कुछ का जो लेआउट है अनडेवलप लेआउट वह हम बनाने गुरुम बोल्डर का रोड बनने की कोशिश करते घाट के इधर तो ऐसा कुछ शिकायत आई नहीं है। घाट के इधर पानी भी अच्छा है और लोग खुश है पानी के बारे में बाकी समता नगर वगैरह। हाँ समता नगर में क्या अभी तक पानी की लाइन डाली नहीं है सुनिए और जो डाली हुई है वो जो 2012 में जो नगर सेवक था एक हमारा उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ हमारे गुरु हमारे विरोधी पक्ष का तो उसके माध्यम से उन्होंने लोगों से पैसे लेके ये करके ताजमेल करके उन्होंने उनके जब निखिल राउत आए थे 14 के पहले तब उन्होंने वो पानी को अपनी पानी की लाइन डाली थी उन्होंने पर वो इन बिगल लाइन है ना एक उसका कनेक्शन है ना ये है लोगों ने बिल वहाँ कोई लाइन मीटर नहीं आता जिसने कनेक्शन नहीं लिए हुए डायरेक्ट कनेक्शन लिए हुए हैं लोग भरते नहीं बिल। और हम बहुत बार कोशिश करें कि भैया हम आप मीटर ले लो मीटर लेने के बाद आप ये करेंगे तो आपको बड़ी सुविधा मिलेंगी पानी ही मिलेंगे वहाँ लोग जागृति ही नहीं है कहाँ यानी वो बोल रहे कि भैया हम मीटर कह के लेंगे अभी बहुत लोग बोलते हैं बाकी जगह बोलते हैं मीटर का अभी हमें शक्ति नहीं है 6000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है मीटर लेना आती है लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कार्बन अगर हमको पूरा फार्म सहयोग करेंगे तो हम और अच्छी व्यवस्था करवा के देंगे पानी। कितनी लोक संख्या है प्रभाग क्रमांक एक की? प्रभाग क्रमांक एक में लोक संख्या कम से कम करीब करीब 90,000 के करीब। मतदाता कितने? मतदाता कम से कम है 67,000-68,000। इस प्रभाग में सबसे ज्यादा स्लम बस्तियां है। स्लम बस्ती का विकास चौधरी मैडम के मार्गदर्शन में कैसे हुआ है? क्योंकि जो स्लम एरिया है हमारा गांव है और कुछ अपना स्लम एरिया वैसे जेरी पड़ता भी आता है स्लम जो इधर है अपना हाउसिंग बोर्ड का एरिया है वो भी इंद्र पट्टी आती है हमारे थोड़ा हमने जैसा हमारे शक्ति अनुसार हुआ गांव में तो मैंने टोटली विकास कर लिया। गांव में ऐसा कुछ बचा नहीं है खाली एक मेन रोड बचा हुआ है ये तो हर गलियां सीमेंट की है हर गलियां में कॉन्क्रीटिंग है पूरे लाइट लगे हुए हैं सब जगह है ना
साफ सुथरा व्यवस्थित गाँव है। मैं तो बोलता हूँ कि आजू बाजू में जितना परिचय गाँव है, कड़मना पकड़ लो, नारी पकड़ लो, हिंगाबाई टाकरी पकड़ लो, वो गाँव से बेहतर गाँव है नारा। अभी आपका कोरोना कार्यकाल में काफी विकास रुका हुआ है, फाइलें रुकी हुई है, कौन कौन सी फाइलें रुकी हुई है और कितने कोटि का विकास रुका हुआ है? करीब करीब हमारा अभी 3 करोड़ का विकास रुका हुआ है, यानी सुषमा जी की मैडम सुषमा जी का गाँव का एक पुलिया है, नानकपुर महानगर पालिका जो स्कूल है उसके बाजू में एक पुलिया का है, वो वाला उसका निर्माण रुका हुआ है, वो भी टेंडर उंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, शायद करीब वो 15 अगस्त के बाद काम चालू करने वाला। और एक विकास यानी नारा गाँव से नारा फूलू पान मंदिर से तो वेलकम सोसाइटी तक वो अपने 40 फीट का सीमेंटिंग करने का रोड बना हुआ है, उसके वाले फाइल रुकी हुई है, अभी आने वाले समय में वो भी करवा लेंगे।